दोस्तों नमस्कार। आज आपको हम यह भारत माता नव दुर्गा मंदिर दिखा रहे हैं जो फतेहगढ़ में डीएम ऑफिस से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, पीडी महिला डिग्री कॉलेज के पास। भारत माता नवग्रह नव दुर्गा मंदिर जो 2 मंजिला में बना हुआ है। चलते हैं मंदिर की ओर और आप मंदिर को देखिए कितना साफ और सुथरा मंदिर है। मंदिर में प्रवेश करेंगे तो दानदाताओं की दोनों तरफ लिस्ट दिखाई पड़ेगी और बिल्कुल सामने माता जी का प्रांगण दिखाई पड़ेगा जिसमें माता जी अपने कक्ष में विराजमान हैं। और ऊपर मंदिर में जाने की सीढ़ियां हैं, ये हम आपको बाद में ले चलेंगे। चलते हैं सीधे मंदिर की ओर। इधर बांके बिहारी जी गणेश जी का मंदिर है तो हम देर ना करते हुए सीधे मंदिर में घुसते हैं और मंदिर में देखते हैं कि मंदिर जो मुख्य मंदिर है उसके चारों ओर विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ हैं। वो देखने से पहले हम मंदिर के अंदर देखते हैं कि वहाँ पर 3 देवियाँ बैठी हुई हैं। वो देखिए मूर्तियाँ माता रानी की कितनी स्वच्छ और कितनी सुंदर हैं, कितनी सजावट की गई और कितनी अच्छी सफाई है। यह फतेहगढ़ में स्थित है भारत माता नव दुर्गा मंदिर। यहाँ पर अगर आप नवरात्रि में आते हैं तो बहुत भयंकर भीड़ मिलेगी तथा यहाँ पर आप 9 दिन में अलग अलग देवियों की पूजा भी कर पाएंगे। यह फर्रुखाबाद का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की देवियाँ दिखाई आपको पड़ेंगी जिनकी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। आपको हम उन 9 देवियों के भी दर्शन करवाते हैं। सर्वप्रथम हम गणेश जी के दर्शन करिए क्योंकि कोई भी पूजा पाठ करने से पहले, दर्शन करने से पहले हम गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद अन्य देवियों की आपको हम एक लाइन की कतार दिखाएंगे जो यहाँ पर बहुत ही सुंदरता के साथ उनको सजावट दी गई है और वो देवियाँ आप यहाँ पर सर्वप्रथम आप शैलपुत्री माता के भी दर्शन करेंगे तो आप शैल माता के दर्शन कर लीजिए। इसी प्रकार यहाँ पर विभिन्न प्रकार की अन्य माताओं के भी आप दर्शन कर सकते हैं, जैसे ब्रह्मचारिणी माता के भी आप दर्शन करेंगे और अपने कष्टों को इनके पास रखिए, ये दूर करेंगे। उसके बाद आपको चंद्रघंटा देवी के भी दर्शन होंगे जो बड़ी ही अच्छी सजावट के साथ कपड़े पहनाकर इनको सुसज्जित किया गया है। उसके बाद आप कुष्मांडा माता को भी देखिए जो अपने वाहन पर विराजमान है और उनके पास चुनरी चढ़ी हुई, कितनी सुंदर प्रतीत हो रही हैं यहाँ की मूर्तियाँ। अब आगे की ओर इसी क्रम में हम बढ़ते हुए आगे माता रानी के दर्शन कर रहे हैं जिनका नाम है स्कंद माता, जिनका हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है, और ये हैं कात्यायनी माता। इनके भी आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं और इसी मूर्तियों के ऊपर लाइन से कतार में प्रत्येक माता रानी के ऊपर उनका इस फोटो भी अलग से फ्लैश रूप में चिपकाया गया है, उसमें उनका नाम भी लिख दिया गया है और बड़ी ही साफ सफाई यहाँ पर है। ये आप कात्यायनी माता के आप दर्शन करिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग कालरात्रि माता के दर्शन करिए और इसी तरह यहाँ पर भी ऊपर पंपलेट में लिख दिया गया है कालरात्रि माता का, ताकि भक्त आए 9 दिन में अलग अलग पूजा पाठ कर सके। ये अगली माता का आप दर्शन करिए जो इनका नाम है महागौरी माता, आदिशक्ति महागौरी माता। फिर उसके बाद सिद्धदात्री माता के दर्शन करिए। इनको जितनी भी माता यहाँ पर सबको चुनरी के स्वास्थ्य सज्जित किया गया है, ये महाकाली माता हैं। जब महाकाली की पूजा करनी हो तो आप यहाँ पर आकर महाकाली की भी पूजा कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए माता लक्ष्मी जी के भी आप दर्शन करिए जो धन की देवी मानी जाती हैं। फिर उसके बाद बुद्धि की माता हैं माँ सरस्वती, हंस वाहिनी वीड़ावादिनी, उनके भी आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं भारत माता नव दुर्गा मंदिर फतेहगढ़ में। फिर ये गंगा माता जी हैं जो अपने वाहन पर विराजमान हैं, वो कितनी सुंदर प्रतिमा बनाई गई है इनकी। फिर उसके बाद आप देखेंगे गायत्री माता के दर्शन भी आप यहाँ पर करने को पाएंगे क्योंकि गायत्री माता का मंदिर बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आप कर सकते हैं। फिर तीर्थदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के भी आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें। अब आगे चलते हैं हम बांके बिहारी हनुमान मंदिर की ओर। सर्वप्रथम यहाँ पर हनुमान अंजनी पुत्र वायुपुत्र महापुत्र रामेश बालगुन सका पिंगा छमित विक्रम उदाधिक्रम सीता अशोक विनाशन लक्ष्मण प्रणदत्ता दस ग्रीवा दर्पहा हनुमान जी के दर्शन करेंगे और उनके इन नामों का अगर जाप करेंगे यहाँ पर तो आपके विभिन्न कष्टों को हनुमान जी बहुत जल्द ही दूर कर देंगे। हनुमान जी वैसे भी हर कष्टों को दूर करने वाले हैं, बुद्धि के दाता हैं। यहाँ पर आएंगे आप बजरंग बली के भी दर्शन करने को आप पाएंगे क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की माता कि जब दर्शन करेंगे तो उसके बाद बजरंगबली के भी आप दर्शन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग विघ्न गणेश की ओर, लंबोदर की ओर, गौरीपुत्र की ओर। देखो कितनी अच्छी मूर्ति है इनकी और एक शीशे के गिलास में रखी गई है ताकि गंदगी वहाँ पर ना पहुँच के धूल डट। फिर हम कृष्णा जी के दर्शन करेंगे, कान्हा जी के दर्शन करेंगे जो बिल्कुल ब्लैक मूर्ति है, काले रंग की ग्रेनाइट की बनी हुई, तो बड़ी ही अट्रैक्टिव मूर्ति है। उसके बाद साईनाथ के दर्शन करेंगे, साईं रहम नज़र करना बच्चों का पालन करना। आप साईं बाबा के दर्शन करिए
और उसी के साथ लगी हुई एक अन्य मूर्ति है माता काली जी की, आप उनके भी यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए ये काली माता की मूर्ति है जो बड़ी ही अच्छी मूर्ति है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद अब हम आगे की ओर चलेंगे। मंदिर दो मंजिला मैंने पहले भी बताया था, अब सीढ़ियों के द्वारा हम ऊपर की ओर चलेंगे और ऊपर भी दिखाएंगे कि ऊपर क्या है। तो जब वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि भारत माता की मूर्ति है जो अपने शेर के साथ अपने रथ पर विराजमान है। ये आपको रोड से भी दिखाया गया होगा, शुरुआत में भी वही मूर्ति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। भारत माता, भारत माता जो भारतीयों के दिल में बसती हैं। फिर आगे की ओर हम चलेंगे, इससे निकलकर सीधे ब्रह्मा विष्णु महेश के दरबार में, क्योंकि यही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर नौ देवियों के साथ विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन करेंगे, भगवान विष्णु के भी दर्शन करेंगे, भगवान ब्रह्मा जी के भी दर्शन करेंगे। कहते हैं भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर राजस्थान में है। तो यहाँ पर आप देखिए ब्रह्मा जी के भी आप दर्शन करेंगे और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं उनके भी दर्शन करेंगे, फिर उन्हीं के साथ ही भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन करेंगे। भोले तो भोले हैं, अगर आप इनके दरबार में आते हैं तो आपके समस्त कष्टों का निवारण हो जाएगा। मंदिर में जैसे ही प्रवेश करेंगे उससे पहले राइट हैंड पर भगवान भोलेनाथ का एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है, ठीक वहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। और यह मंदिर जो बना बहुत ही सुंदर है।